साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ कमला नगर की मार्केट। बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे ना आप लोगों के कि कमला नगर एक्सप्लोर करो एक बार फिर से, और अच्छी वाली गर्मी हो गई है आज बारिश के बाद। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या आया हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है स्केचर्स शोरूम के जस्ट नीचे ही लगती है टॉप्स की स्टॉल। इनके पास टॉप्स थे, कॉर्ड्स थे, कुर्तीज़ भी थी, और इनकी जो टॉप्स की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉप्स और कुछ लॉन्ग ड्रेसेस जो होती हैं वो शेयर कर रही हूँ, और किसी किसी के प्राइस भी मैं आप लोगों को बीच में शेयर करने वाली हूँ। और मैं ये बोलूँगी वीडियो एंड तक देखें क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश। ये कितने का है ये पूरा सेट? ये कितने की है ड्रेस? ये 400 के, इसमें दो कलर्स हैं, इसको ना बोथ द साइड कैरी कर सकते हो आप, फ्रंट साइड। अच्छा। और बैक साइड से भी। तो कॉर्ड इन्होंने 750 रुपीज़ का बोला था, आफ्टर बार्गेन ना ये आपको 600 तक का दे देते। और ये वाली सारी की सारी टॉप्स इन्होंने आपने सुना कि 400 रुपीज़ की बोली हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इनके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी थी, सिर्फ और सिर्फ स्केचर्स के नीचे लगा हुआ था, और इन्हीं के पास ना वेस्टर्न वेयर बहुत ज़्यादा था। तो ये सारे के सारे डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, और जो इनका साइज़ है वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल या फिर एक्सेल या फिर जो और प्लस साइज़ होते हैं वो मिलने थोड़े मुश्किल हैं। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो वो थोड़े मुश्किल ही मिल सकते हैं। उसके बाद इनके पास कुर्तीज़ का कलेक्शन भी था, तो कुर्तीज़ का कलेक्शन भी मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बट उससे पहले आप सारे के सारे ये वाले टॉप्स देख सकते हैं, जो 250 के अंडर भी थे, 350 थे, 400 थे, कुछ 500 वाले भी थे, हर एक कलर में इजीली मिल जाएंगे आपको। और ये सारे के सारे क्रॉप थे। अब आते हैं नॉर्मल लेंथ वाले, तो ये सारे के सारे डिज़ाइंस आप देख सकते हैं कितने सारे इनके पास डिज़ाइंस थे। ग्रे कलर भी था जो ईज़िली मार्केट में नहीं मिलता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और ये वाली टॉप्स भी थी, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर रेगुलर चेंज में आप कुछ चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं। और कमला नगर ना बाकी अदर मार्केट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इनका जो क्लोथिंग मटेरियल होता है यानी कि जो कपड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है। मैंने भैया से पूछा भी था कि आपकी जो मार्केट है सरोजी नगर के कंपैरिजन में इतनी महंगी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल ही ब्रांडेड माल होता है, सरोजी नगर में मोस्टली सरप्लस का मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरोजी नगर की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी एक शॉप है रोज़ बे, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि बिल्कुल सामने बाहर ही ना डब्लू की कुर्तीज़ की हमेशा सेल लगी रहती है। मैं कितनी बार कमला नगर गई हूँ और मुझे हमेशा ना यहाँ पर डब्लू की कुर्तीज़ की सेल मिलती है 500 रुपीज़ में। बार्गेनिंग नहीं करते ये वाले भैया, इनका फिक्स प्राइस है 500 रुपीज़ में, आप कोई भी कुर्तीज़ ले सकते हैं। और सारे के सारे कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इनका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्टॉल मैंने कवर कर लिया था, क्योंकि आप मोस्टली ना कुर्ती की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी चाहते हैं कि कुर्ती की वीडियो बनाओ, तो इस वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सारी कुर्तीज़ कवर कर ली थी। आप ये देख सकते हैं इनके पास साइजेस थे, अगर आप इनको बोलेंगे तो ये आपको साइजेस भी निकाल कर दे देंगे। इनका जो क्लोथिंग मटेरियल था वो ओके था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था। अगर आपने डब्लू की कुर्ती पहनी होंगी तो आपको पता होगा कि उनका क्लोथिंग मटेरियल कैसा होता है, तो ख़राब नहीं होंगी बहुत जल्दी, बट डब्लू जैसा भी नहीं था। और ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत सारे प्रिंट्स में थी, थ्रेड वर्क था और बटन्स वाली भी थी, सारे के सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ओवरऑल ना मुझे कुर्ती का कलेक्शन इनका काफ़ी पसंद आया, बहुत कॉस्टली भी नहीं था, नॉर्मल प्राइजेस में आपको मिल जाएगा। अंकल ये कितने का है? 600। तो एक ये पैंट स्टाइल था कुछ, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं वापस आऊँगी तो मैं लूँगी इसको, बट हम उस वाली साइड से नहीं आए तो मैं नहीं ले पाई। और इनके पास एक ये भी था लोअर टाइप आप इसको कह सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और ये इन्होंने आई थिंक 450 रुपीज़ का बोला था, हर एक कलर में अवेलेबल था। साइजेस का मुझे पता नहीं, बट मुझे ये बिल्कुल ठीक आता और मुझे मीडियम साइज़ आता है।
वहीं आप थोड़ा आगे चलेंगे ना तो एडिडास के शोरूम के बिल्कुल बाहर क्रॉप टॉप्स की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अलग अलग टाइप के इनके पास क्रॉप टॉप थे। 250 रुपीज़ से लेकर 500 के बीच आपको यहाँ पर बहुत ही हर एक टाइप का क्रॉप टॉप मिल जाएगा। आपने स्टार्टिंग में देखा है स्ट्रैप वाला, बिल्कुल स्लीक स्ट्रैप जिसकी होती है, नूडल स्ट्रैप जिसको बोलते हैं, उसके बाद थोड़ी सी ब्रॉड स्ट्रैप, उसके बाद ये स्लीव्स वाले क्रॉप टॉप भी इनके पास थे जो शर्ट लुक देते हैं। तो सारे के सारे डिज़ाइंस मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं इस वाली वीडियो में, आप ये देख सकते हैं। और इसी के पीछे ना कुर्तीज़ भी थी, बट मैंने वो कवर नहीं की क्योंकि आपको टॉप्स की कलेक्शन भी काफ़ी चाहिए होती है, तो मैंने सारी की सारी टॉप्स इनकी कवर कर ली है। और काफ़ी सारे डिज़ाइंस, काफ़ी सारे कलर्स में इनके पास अवेलेबल थी, पर्ल बन लगे हुए थे, प्रिंट था, वर्क था, और ये जो हाई नेक चल रही हैं बट स्लीवलेस होती हैं वो वाली भी थी, और ये थोड़ी सी बॉयश लुक जो देती हैं वो वाली टी शर्ट भी इनके पास काफ़ी अवेलेबल थी। आप सारे के सारे कलर्स में ले सकते हैं, तो ये वाला क्रॉप टॉप भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे ना तो आपको एक प्लाज़ो की शॉप मिलेगी। तो इनके पास काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लाज़ो थे, अगर आप लेना चाहते हैं स्ट्राइप्स में, लॉन्ग स्ट्राइप में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कितने थ्रेड के भैया वर्क। प्लाज़ो 350। अगली बार मिल जाएगा। कितने का है ये? मैम 250 रुपीज़ के हैं, क्वालिटी बढ़िया है, लेदर में। अच्छा, 250 रुपीज़ के वॉलेट और क्लचेस मिल रहे थे। मुझे ऐसा चाहिए था जो मेरी पॉकेट में आ जाए, वैसा वाला मुझे नहीं मिला, बट इनके पास वैरायटी काफ़ी सारी थी। कितने की है भैया? कोई भी नहीं, ये ये ये। अच्छा, ये डेनिम वाली 350 की है, और वो ये नहीं, ये वाली 450 है। एक बारी खोल के दिखाओगे? कितने का भैया ये वाला? और ये साक्षी 50 से लेकर 100 रुपीज़ तक की यहाँ पर सेल लगी हुई थी इयररिंग्स की। और ये जो झुमकी मैंने दिखाई ये भी 50 रुपीज़ की थी। तो मुझे कुछ तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जैसे ये वाले बहुत डिफरेंट लग रहे थे, और कुछ ओके ओके टाइप्स लगे। 30 रुपीज़ के भी थे इनके पास, 30 रुपीज़ की लाइन भी आपको मिल जाएगी। कलर अच्छा लग रहा है ये वाला। भैया ये कितने का है प्लाजो? 450। अब ये मॉल वाली लाइन से आप लेफ्ट लेंगे ना तो उस वाली लाइन में आपको एक शॉप दिखेगी। कितने का भैया ये? 1600। वहीं पर आगे जाकर एक और मुझे कुर्ती की शॉप दिखी, तो मुझे ये वाइट कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, आपको दिख रहा है ना, और इस पर थ्रेड वर्क हुआ हुआ है मल्टी कलर से। इसमें इनके पास काफ़ी सारे कलर्स थे, सारे के सारे कलर्स ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने इसमें से ये येलो वाला लिया है, जो मुझे इन्होंने 500 का बोला था, वो आई थिंक 450 या फिर 400 का दिया है, मुझे एग्जैक्टली इस टाइम याद नहीं है। तो ये सारे के सारे कलर्स आप लोगों ने देख लिए, और ये सारा प्रिंट ना कॉटन के ऊपर है। उसी के बराबर में एक बैकपैक्स की शॉप भी थी, तो इनके पास बहुत सारे बैकपैक्स थे, हर एक वैरायटी के, छोटे से लेकर बड़े तक। तो मैंने जो ये पिंक वाला दिखाया ना, जिस पर पिंक लिखा हुआ है, ये लिया है 400 रुपीज़ का। बैकपैक्स आपको इनके पास काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला एक ट्राई करके देखा था पिंक, जो मैंने परचेज़ कर लिया है, और एक और ट्राई करके देखा था ब्लू, तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और अभी बारिशों का सीज़न है ना, तो उस वजह से भी मैंने ले लिया कि बारिश में मेरा सामान इसमें ख़राब नहीं होगा, और काफ़ी सारा सामान इसमें आ भी जाएगा।
तो दोनों के दोनों कूल हैं, काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल थे और साइजेस में भी अवेलेबल थे। ये सारे डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, ये सारे स्मॉल साइज़ में हैं। ये 250 रुपीज़ के थे, आप बार्गेन करते तो आपको और थोड़ा सस्ता दे देते। तो बड़े वाले जो थे वो 400 से 450 के बीच थे और जो छोटे थे वो 200 से 250 के बीच थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें।